Hello friends, now let's continue discussing this problems over friction from HCV. In fact, kal maine abruptly lecture hold kar diya tha. Main aakhri ke char paanch sawal jo aur the HCV ke inko aur discuss karwa deta hoon. प्रॉब्लम कर रहा था 27 से पहले आई थिंक सारे कर दिए थे मैंने 28 29 30 31 यह पांच सवाल आज मैं सबसे पहले फटाफट करता हूं 27 स्टार्ट रीडिंग 27 प्रॉब्लम A block of mass m slips on rough horizontal table. We have got a table. This is a table. And we have got a block of mass m. This is the table. Under the action of horizontal force applied to it, there is some horizontal force applied on this block. The coefficient of friction between the block and the table is mu. The coefficient of friction between block and table is mu. The table does not move on the floor. Find the frictional force applied by the floor on the leg of table. Do you need friction coefficient between table and floor? Or between mass and the table. देखिए, this is a simple problem. In fact, यह तो एक logic based problem है. आप ऐसा सोचिए कि horizontal floor के ऊपर यह table है और इस table के ऊपर यह block रखा हुआ है और यह block move कर रहा है, पर table move नहीं कर रही है. ऐसी condition में, if we draw the free body diagram of the block. यदि हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी अर्थ ग्रेविटेशनल पुल mg, टेबल के द्वारा लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन n, और जब यह ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो यह टेबल इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी म्यू एन. एन इज इक्वल टू एम जी और दैट फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इक्वल टू म्यू एम जी. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक. अब यदि हम टेबल की बात करें, यह जो टेबल है जिसके ऊपर यह ब्लॉक मूव कर रहा है, इस टेबल की यदि हम बात करें, तो इस टेबल पर ग्रेविटेशनल पुल कैपिटल एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश और ब्लॉक के द्वारा एक फोर्स एन. अब बिसाइड इट, जब यह टेबल इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स यह ब्लॉक इस टेबल पर आगे की तरफ अप्लाई करेगा. दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. यह ब्लॉक इस टेबल को आगे खींचने की कोशिश करेगा. टू एवरी एक्शन इक्वल इन द अपोजिट रिएक्शन. जितना फोर्स टेबल ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगा रही है, उतना ही फोर्स ब्लॉक टेबल पर आगे की तरफ लगाएगा. दिस वुड बी इक्वल टू म्यू एन और दिस वुड बी इक्वल टू म्यू mg. अब मगर टेबल आगे की तरफ मूव बिल्कुल भी नहीं हो रही है. अब टेबल यदि आगे की तरफ बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है, तो कैसे ये जो टेबल के लेग्स हैं, इन लेग्स पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के द्वारा इतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ मिल रहा है. So this frictional force on the table is the FR max acting on the block, that is mu n, or that is equal to mu mg.
Here this mu is coefficient of friction between block and table. Mu is coefficient of friction between block and table. Itna frictional force, m is the mass of block, g is acceleration due to gravity. Itna frictional force table par horizontal ground ke dwara lagna hoga. Tab jaake waha table stationary rahegi, magar block uske upar move karega. 27th problem ko dhyan se dekhiye. यह एक लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम था. इनफैक्ट इस तरह के प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आईआईटी जेई में अपीयर होते हैं और आपको सोच समझ कर इनका जवाब देना होता है. 28th प्रॉब्लम करूंगा, यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. 28th प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 28. हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं. फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन इन द फिगर. दिस इज अ फिगर गिवन 6E10. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक टू ब्लॉक्स इज म्यू 1 एंड बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू 2. हमें सेटअप को बड़े ध्यान से देखना है. 28th प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में तो सिर्फ यही बात लिखी है कि कैपिटल मास m का एक्सीलरेशन ए डिटरमाइन करना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स ये रखा है. मैं सबसे पहले फिगर बनाऊंगा. यह एक ब्लॉक इस तरीके से, यह एक पुली से बंधा हुआ और इसके साथ में इधर एक ब्लॉक इसी के साथ में बंधा हुआ. इधर से एक स्ट्रिंग पास होती हुई, इधर से एक स्ट्रिंग पास होती हुई और इधर से यह इस तरह से नाउ दिस इज द सिचुएशन दैट इज गिवन इन द फिगर. बड़े ध्यान से सिचुएशन को देखना है. दिस कैपिटल मास m, दिस स्मॉल मास m एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इज म्यू 2 एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू 1. जरा बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को देखो, बड़े ध्यान से देखो. देयर इज अ ब्लॉक, यह ब्लॉक एक पुली से बंधा हुआ है, इससे एक स्ट्रिंग जा रही है. यह इधर पुली से पास होते हुए इस तरह से पास होते हुए स्ट्रिंग इस मास से ऐसे बंधी है. अब हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए डिटरमाइन करना है. व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, जो कि इस डायरेक्शन में होगा. हम सोच सकते हैं कि जब यह ब्लॉक ऐसे नीचे गिरेगा तो यह इसको खींचते हुए इस तरह से ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाएगा और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन डिटरमाइन करना है. द ब्लॉक दिस प्रॉब्लम इज ओवर द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ब्लॉक्स स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और उनके एक्सीलरेशन उनकी मोशन को एनालाइज करना है और साथ में फ्रिक्शन का कंसेप्ट जोड़ा हुआ है, ऐड करा हुआ है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जैसे हमने बताया प्रॉब्लम्स को करने के लिए 5 स्टेप्स होती हैं. पहली स्टेप होती है यदि अलग अलग ब्लॉक इस तरह से स्ट्रिंग से बंधे हुए हों तो पहली स्टेप है असाइन इंडिकेट एंड रिलेट द एक्सीलरेशंस. द फर्स्ट स्टेप इज असाइन इंडिकेट एंड रिलेट द एक्सीलरेशन. पहले तो एक्सीलरेशन को असाइन करो, उनको इंडिकेट करो, साथ में उनको रिलेट भी कर दो. दूसरी स्टेप होती है चूज द अप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम. अप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम चूज करो. इस केस में हम किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम चूज करेंगे या देखेंगे. आइडेंटिफाई एंड द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट
all external forces. Identify and indicate all external forces on the free body diagram. जो आपने free body diagram choose करे हैं, उनमें जितने भी external forces हैं, उनको identify करो और उनको indicate करो. The fourth step is choose the coordinate axis. Resolve the forces along the coordinate axis if needed. Apply pseudo force if needed. This is the fourth step. हर free body diagram के लिए appropriate coordinate axis choose की जाए. यदि forces को coordinate axis के along resolve करने की आवश्यकता है तो resolve करा जाए. कहीं कोई pseudo force लगाने की आवश्यकता है तो pseudo force लगाई जाए. And the fifth step is formulate the equations, write the equations and solve them in order to get the answers. अब देखिए इस केस में मैं कहता हूं सारी ही स्टेप्स की स्टेप्स है, सारी ही स्टेप्स इतनी आसान नहीं है. सबसे पहले एक्सीलरेशन को असाइन, इंडिकेट और रिलेट करना पहला चैलेंज है. दूसरा चैलेंज वाकई में प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना, और तीसरा चैलेंज वही है कि फोर्सेस आइडेंटिफाई करके उनको इंडिकेट करना, और फिर हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे. मैं एक एक करके बात दिखाता हूं. सबसे पहले एक्सीलरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए जब यह ब्लॉक ऐसे नीचे गिरेगा तो यह ब्लॉक आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से जाएगा, यही हमें डिटरमाइन भी करना है, और हमने ऑलरेडी इसको इंडिकेट भी कर दिया, इसको असाइन भी कर दिया और लिख भी दिया. खास अब इस ब्लॉक के बारे में सोच रहा है. इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन यदि जिसने सोच लिया वही इस प्रॉब्लम को कर पाएगा, और जो एक्सीलरेशन को ही नहीं सोच पाया वो आगे कुछ भी करे गलत ही आंसर आना. जरा सोचिए इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन के बारे में. जब यह ब्लॉक इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा तो उसके साथ साथ इस छोटे ब्लॉक को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से तो मूव करना ही होगा. यह एक एक्सीलरेशन हमें इस छोटे ब्लॉक का तो दिखता ही है, क्योंकि ये बड़े ब्लॉक के आगे है. इसलिए बड़ा ब्लॉक यदि ये एक्सीलरेशन से मूव करा तो बड़े ब्लॉक के साथ साथ इसको ये एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना ही है. मगर इसके साथ साथ एक और एक्सीलरेशन है. देखिए जब यह बड़ा ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो रस्सी भी ए एक्सीलरेशन से इधर से फ्री होगी, और इधर से भी रस्सी ए एक्सीलरेशन से फ्री होगी, और इधर से फ्री हुई रस्सी वो नीचे की तरफ लटक जाएगी. मतलब यह ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a एक्सीलरेशन से जाएगा. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन 2a होगा. इस बात को समझना सबसे पहला सबसे बड़ा चैलेंज है. जिसने यह बात सही से नहीं समझी वह इस प्रॉब्लम को कर ही नहीं सकता है, और जिसने इस बात को समझ ली वह आगे इस प्रॉब्लम को कर पाएगा. इस बात को समझो. यह मैंने एक्सीलरेशन पहला स्टेप कर दिया, एक्सीलरेशन को असाइन कर दिया, रिलेट कर दिया और साथ में इंडिकेट कर दिया. बड़े ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैंने इधर असाइन और इंडिकेट करा हुआ है, और छोटे ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैंने इधर असाइन और इंडिकेट करा हुआ. अब दूसरा स्टेप, चूज द एप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम. अब पहला फ्री बॉडी डायग्राम तो हर कोई बड़ी आसानी से चूज कर लेता है, ये छोटे ब्लॉक का. इस छोटे ब्लॉक को मैं पहला फ्री बॉडी डायग्राम लेकर चलूंगा, जो कि मैं इसी के नीचे इधर ही ड्रॉ कर देता हूं. यह मेरा पहला फ्री बॉडी डायग्राम होगा, यह छोटा ब्लॉक, यह फ्री बॉडी डायग्राम है. और यहीं पर क्यों ना इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यहीं का यहीं मैं इक्वेशन भी बना दूं, लिख दूं, फोर्सेस भी इंडिकेट कर दूं. मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो यहीं मुझको इसका एक्सीलरेशन तो यहीं पर इंडिकेट कर देना चाहिए. हमेशा एक्सीलरेशन को फ्री बॉडी डायग्राम के साइड में इस तरीके से इंडिकेटेड होना ही चाहिए, यह एक्सीलरेशन. अब जरा सोचिए एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी है. एक तो mg एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थ्रू आउट स्ट्रिंग में टेंशन t ले लेता हूं तो इस स्ट्रिंग की वजह से, इस स्ट्रिंग में टेंशन t की वजह से इस ब्लॉक पर अपवर्ड फोर्स t,
beside it, यह जो बड़ा ब्लॉक है यह इस छोटे ब्लॉक को आगे की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है. ये जब आगे की तरफ इसे पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसकी वजह से एक फोर्स F इधर होएगा. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक, द बिगर ब्लॉक ओवर द स्मॉलर ब्लॉक. यह पुश कर रहा है बड़ा ब्लॉक, और शायद इसी फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट भी होगा, और यह इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा. यह दोनों, यह फोर्स इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा. दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. अब बिसाइड इट देयर इज अ फ्रिक्शन एज वेल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है. तो जब यह ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो बड़ा ब्लॉक इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और यह जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यह μ1 into कॉन्टैक्ट फोर्स F होगा. इस तरीके से यह फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया कंप्लीट. इसमें सारी एक्सटर्नल फोर्सेस भी इंडिकेट कर दी है, एक्सीलरेशन भी इंडिकेट कर दिया. अब क्यों ना मैं यहीं का यहीं इससे रिलेटेड इक्वेशंस भी लिखी देता हूं. एक तो मैं कहूंगा यह एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह जो एक्सीलरेशन है इसी कॉन्टैक्ट फोर्स F की वजह से है. यह जो कॉन्टैक्ट फोर्स F है, यह जो ब्लॉक इसको पुश कर रहा है, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन. अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख देता हूं. वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन इस तरह से लिखूंगा, एमजी माइनस μ1 F माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू 2A. मैं F की जगह F की वैल्यू लिख देता हूं, M A, μ1 mg, m throughout कैंसिल भी करा जा सकता है, आई थिंक नहीं, एम टी है इसलिए नहीं कैंसिल करूंगा. mg माइनस μ1 ma माइनस टी इज इक्वल टू 2 ma. यह इक्वेशन मैं इस तरह से लिख देता हूं. यह दो इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए लिखी जा सकती है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह इक्वेशन होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में यह इक्वेशन होगी इस ब्लॉक के लिए. नाउ दिस इज द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने लिया. अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना और उसके लिए इक्वेशन बनाना, उसके लिए सॉल्व करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है. देखिए दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम किसे ले. सेवरल पीपल यूज टू डू कमिट दिस मिस्टेक कि वह इसे फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक डन बाय लॉट ऑफ पीपल्स की वह सिर्फ बड़े ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते. इसे फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया जाए. वंस अगेन मैं गलती तो नहीं कहूंगा, दिस इज नॉट अ मिस्टेक. मैं सॉल्व करूंगा तो शायद यह फ्री बॉडी डायग्राम लेकर भी मैं तो आंसर निकाल के ले आऊंगा, मुझे आता है सॉल्व करना. बट यदि यह फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया तो एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ ज्यादा ही होंगी, इक्वेशंस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी, सॉल्व करने में कुछ ज्यादा ही समय लग जाएगा. वंस अगेन सही तरीके से परफेक्ट तरीके से यदि सॉल्व करा जाए तो आंसर तो फिर भी आएगा. यदि सही तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करा जाए और एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करके सही तरीके से इंडिकेट कर दिया जाए और सही तरीके से इक्वेशन बनाई जाए तो आंसर तो इससे भी आएगा. बट द प्रॉब्लम इज इट वुड कंज्यूम ऑलमोस्ट डबल टाइम. सिचुएशन को सॉल्व करने में लगभग दुगना समय लगेगा निश्चित है. यदि समय आधा करना चाहते हो, जल्द से जल्द सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोप्रिएट लेना, सही लेना जरूरी है.
और सही फ्री बॉडी डायग्राम तो यह होगा कि इस बड़े ब्लॉक के साथ साथ आप यह छोटा ब्लॉक भी साथ में ही ले लें, यह छोटा ब्लॉक भी आप साथ में ही ले लें और यह रस्सी और यह रस्सी, यहां से इसे आप फ्री बॉडी डायग्राम लें। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम लेने पर सबसे कम एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी और सबसे आसानी से यह सिचुएशन सॉल्व होगी। कैसे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम जब लिया है तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को इंडिकेट करना जरूरी होता है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे इधर इंडिकेट कर दूं, और इसका दो एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए और वर्टिकल डायरेक्शन में 2a, इसे इंडिकेट कर दो। अब एक्सीलरेशन इस तरह से इंडिकेट करने के बाद अब अगला काम होता है एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें, उन्हें इंडिकेट करें। एक भी एक्सटर्नल फोर्स यदि आइडेंटिफाई करने से मिस हो गई तो हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस में जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो स्ट्रिंग में मैंने टेंशन टी माना है, यह स्ट्रिंग टी टेंशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इधर भी स्ट्रिंग टी टेंशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगाइए, यह हॉरिजॉन्टल फोर्स बेसाइड इट। इन दोनों ब्लॉक के बीच में यह जो कॉन्टैक्ट फोर्स एफ था, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स एफ था, यह इंटरनल फोर्स हो गया। यह अब इस सिस्टम का इंटरनल, क्योंकि हमने ब्लॉक, बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक दोनों को एक सिंगल सिस्टम माना है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया। अब उसे इंडिकेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिसाइड इट ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, और इसके अलावा यह पूरा सिस्टम जब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स म्यू वन एफ, वो भी अब इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि दोनों को हमने सिंगल सिस्टम मान लिया, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स उसको भी इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यह पूरा ब्लॉक जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ग्राउंड के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो कि होगा म्यू टू एन, यह जरूर लगेगा। मैंने सारी एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिकेट कर दी हैं। एमजी नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आ चुकी है, एक्सीलरेशन इंडिकेट हो चुका है। इनफैक्ट मैं पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट और सही तरीके से बना चुका हूं। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशन हमें बनानी है और मैं उन्हें इक्वेशन को बनाने की तैयारी कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन मुझको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन में लगेगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लिखने के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में ये ब्लॉक तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, यह ब्लॉक मूव कर रहा है, मास एम का ब्लॉक है यह, स्मॉल मास एम और यह कैपिटल मास एम, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो है सिर्फ एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, यह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू टू ए, यह वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा गई। और इधर से मैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस
the small m into g minus 2 ma. This is the equation written in vertical direction. और इससे हमने normal reaction निकाल ली है. In horizontal direction, we have got this two force 2t, t by this string and t by this string 2t. They are the accelerating force, they are the dragging force. इसकी वजह से दोनों masses का a से horizontal direction में acceleration हो रहा है, while decelerating force is this frictional force mu 2n. तो मैं equation लिखता हूँ. सबसे पहले 2t minus mu 2n, 2t minus mu 2n is equal to capital M plus small m into A. This is the equation that one can always write. मैं t को eliminate करने के लिए इधर से इस equation को add करना पसंद करूंगा. In fact, इस equation इधर 2t है, इधर से t की value मुझे मिल सकती है, वो मैं इधर substitute करूंगा और n के लिए मैं यह n का expression substitute करूंगा. इधर से मैं t के लिए expression लिख देता हूं. t is equal to mg minus mu 1 ma minus 2 ma. यह t के लिए expression है जो मैंने इधर से लिखा है और n के लिए expression में इधर से लिखूंगा. अब मैं substitute करता हूं और इसे solve करता हूं. 2 for t, I'll write this mg minus mu 1 ma minus 2 ma minus mu 2. For n, I'll write this expression capital mg plus small mg minus 2 ma is equal to capital M plus small m into A. Now, what I'll do is, I'll collect all the mg terms on one side and all the acceleration A terms on another side. Mg terms mein ek taraf collect karta hun aur acceleration ki terms mein ek taraf. This is 2mg. This is 2mg, 2 mu ma us taraf, 4 ma us taraf, minus mu 2 into capital mg or capital M plus small m into g is equal to, अब देखिए, capital MA plus small MA और इधर से भी plus 4 MA, 5 MA और इधर से एक दिखेगा plus 2 mu 1 MA और इधर से एक दिखेगा minus 2 mu 2 MA. अब throughout A common, इधर G common और acceleration is equal to, I'll write the final answer now. Acceleration is equal to 2mg minus mu 2 m plus m or g throughout
G upon capital M plus 5M plus 2M into mu 1 minus mu 2. This is the acceleration of the bigger block, and this is the final answer. Please check it. This particular problem mein the biggest hurdle was, main pehle ek bar answer swayam bhi check karunga kyunki thoda sa lamba dikh raha hai mujhe, 2m minus mu 2m plus m g, theek hai, m plus 5m 2 mu 1 minus mu 2, it's perfect answer in fact. Dekhiye, now just have a look over this problem ki humne is problem mein kara kya kya hai. सबसे पहली बात, जब इस तरह से धागे से बंधे हुए दो ब्लॉक हैं तो इनके एक्सीलरेशन को सही से रिलेट करना, यह बात समझना कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में 2 है. फिर फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना, उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करके इंडिकेट करना और इक्वेशन बनाना. इस फ्री बॉडी डायग्राम को चूज करने में सबसे अच्छी सबसे बड़ी कलाकारी थी, गलत फ्री बॉडी डायग्राम चूज कर लिया जाए, सारी फोर्सेस आइडेंटिफाई करके यदि हम इंडिकेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते. यह फ्री बॉडी डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है. फिर जो इक्वेशन बनाई और फिर सॉल्व करी, इक्वेशन बना के सॉल्व करना और फिर फाइनल आंसर लिखना. कई बार आंसर इस तरह से बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, एकदम से मुझे भी डाउट हो गया कि क्या ये सही है, इतनी सारी टर्म्स दिख रही हैं, बट इट्स लाइक दैट. ध्यान से देखिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 29th प्रॉब्लम.